वेलकम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड बोरॉन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, बोरॉन के कंपाउंड में वी हैव डिस्कस्ड लेटेस्टली लाइक बोरॉन नाइट्राइड और बोरेक्स, बोरॉन नाइट्राइड बीएन और बोरेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, ओके, द बोरेक्स बीड टेस्ट। ओके, बोरेक्स बीड टेस्ट ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है बेटा, इसको आप पढ़ के रखना एग्जाम में और जेई एडवांस में, मेंस में तो आता ही आता है, इवन एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ओके, एंड एक्शन ऑफ हीट भी देखा हमने, बोरेक्स की प्रॉपर्टीज देखी एंड बोरेक्स का प्रिपरेशन देखा। ओके, नेक्स्ट, बिफोर द बोरेक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइक बोरिक एसिड। ओके, बोरिक एसिड के बारे में देखा, मेजरली बोरिक एसिड का आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है लाइक 100 डिग्री सेल्सियस और 160 डिग्री सेल्सियस में जो रिएक्शन करते हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एंड ऑफ कोर्स C2H5OS के साथ जो रिएक्शन होती है, एथिल एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होती है वो भी आपकी इम्पोर्टेंट। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर आप लोग को याद हो ही जाएगा। VH3VO3 में जो VO3 वाला पार्ट होता है वो आपका प्लेनर होता है, और जो आपके बाकी एच होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं वो आपके हैवन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। ओके, सो बिफोर द H3BO3 ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइक B2O3। B2O3 का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्यू ऑक्साइड, दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। जो H3BO3 है, अगर H3BO3 से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो आपका B2O3 बन जाता है, ये आपका एनहाइड्राइड है। अब H3BO3 से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट आपको डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं तो HBO2 बनता है, जिसको मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं। ओके, एंड देन 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर जो फोर मॉलिक्यूल है HBO2 के फोर मॉलिक्यूल्स में से टू वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे एंड H2B4O7 बचेगा। फिर H2B4O7 को आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपका B2O3 बन जाएगा। तो डायरेक्टली रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ H3BO3। बेसिकली आपका वाटर मॉलिक्यूल ही आप वापस निकलते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो ये एनहाइड्राइड ही है उसका। ओके, नेक्स्ट, इससे पहले हमने देखा बोरॉन और बोरॉन की प्रॉपर्टीज देखी। ओके, नाउ अभी हम लोग देखेंगे B2H6। B2H6 के बारे में ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता रखी है पहले से, बट नाउ B2H6 का प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, मेजरली जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे ऑलरेडी क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो B2H6, टेल मी द नेम ऑफ B2H6। B2H6 का नेम कौन बताएगा? B2H6 का नेम क्या होता है बेटा? डाइबोरेन। ओके, एंड द नेम ऑफ इज B2H6। अच्छा, आप बताओ जो डाइबोरोन होते हैं, B2H6 होते हैं, ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली अगर हम बोलूं बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरोन विथ हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, बोरोन हाइड्राइड। अगर मैं यहां पर लिखूं बाइनरी कंपाउंड, ऑफ बोरोन विथ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोरोन हाइड्राइड ना। और इस बोरोन हाइड्राइड का एक और नेम होता है, क्या होता है, बोरेंस। ये आपने देखा होगा। ओके, ना बोरेंस कितने टाइप के एग्जिस्ट करते हैं? बोरेन आपके मेजरली टू टाइप की सीरीज हैं बोरेन की जो एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन होता है आपका BnHn+4, एक सीरीज आपका ये है, एंड सेकेंड सीरीज है आपकी BnH
N+6, ये दोनों सीरीज हैं जो आपकी मेजरली बोरेन की सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल देखूँ तो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा B2H6, सेकंड एग्जाम्पल आ जाएगा B5H9। मेजर मतलब ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, B6 कर सकते हो, यहाँ पर B6H10 भी हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका B10H14 आ सकता है। ओके, इसके भी एग्जाम्पल आप लिखोगे तो B4H10 हो जाएगा आपका, देन B5H11 हो जाएगा, देन अगर B6 की बात करेंगे B6H12 होगा, एंड B9 कर लेते हैं हम लोग, H15। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बोरेन। क्लियर है? नाउ प्रिपरेशन पार्ट में हम लोग देखते हैं। प्रिपरेशन पार्ट, इन प्रिपरेशन पार्ट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, ये रिएक्शन आपको पता है कि अगर मैं सिंपली अगर मैं बोलूं जो आपका BF3 होता है, ऑलरेडी यू नो द BF3 पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ BF3, इसके बारे में काफी प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हो। BF3 का अगर मैं रिएक्शन करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड बोलते हैं इसको, इसका रिएक्शन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है B2H6+LiF+AlF3। ओके, कंपाउंड बना, क्लियर है? नाउ यहां पर अगर देखेंगे तो एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड लिख देते हैं, कभी कभी किसी बुक में देखोगे तो ये लिखा रहता है Li AlF AlF4, किसी किसी बुक में आपका ये भी लिखा रहेगा, तो दोनों चीजें सही है। ओके, अगर बैलेंस करेंगे हम तो यहाँ पर 4 BF3 कर देंगे, एंड 3 यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 2B2H6 कर सकते हैं, आई थिंक बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका प्रिपरेशन मेथड, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि आपका लैब मेथड भी है। ओके, लैब मेथड है, इसका क्या करेंगे, NaBH4 का रिएक्शन अगर I2 के साथ करा दें हम लोग तो आपका कंपाउंड बनेगा B2H6 NaI+H2। ओके, एंड ब्रैकेट में लिख लेना बेटा दिस इज लैब मेथड। क्लियर है ना? इससे कुछ डाउट? यहाँ पर अगर आपको बैलेंस करना है रिएक्शन तो B2H6 इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बैलेंस होगा बताओ। यहाँ पर B आपका 2 है तो स्टार्टिंग में भी इसके यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पर B2 है। ओके, नेक्स्ट सोडियम 2 हुआ तो आपको सोडियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, I2 ऑलरेडी है तो I भी बैलेंस हो गया, एंड आई थिंक हाँ बैलेंस हो गया रिएक्शन, H2 है तो H6 टोटल 8, तो 6+2 8। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ ये सारी रिएक्शन आप लोग याद रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर में होती हैं, ये भी रिएक्शन, ये भी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन जो आपका है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है आप इसको ध्यान से देखो बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड में आपका BF3 ही कंपाउंड रहेगा जो आपका सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, BF3 सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है कंपाउंड,
बी टू एच सिक्स बनेगा प्लस एन ई एफ बनेगा। ब्रैकेट में लिखो इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर बी टू एच सिक्स। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो एक बार बैलेंस करो बेटा, कितना भी आएगा यहाँ पर टू, तो टू टू सिक्स हो गया, तो सिक्स एफ हो गया, तो सिक्स एन ए एच हो गया, आई थिंक बैलेंस है। ओके, एंड ये इस रिएक्शन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, बट उतना कभी जरूरत नहीं है। 453 केल्विन होता। नेक्स्ट, इसका रिएक्शन का भी टेम्परेचर अराउंड 450 केल्विन के आसपास होता है। क्लियर है? नाउ अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन तो आपको आइडिया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन आइडिया है ना आपको? स्ट्रक्चर डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको फिर से यहां पर बना देता हूं, बोरेन प्लस एच 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 क्लियर है ना? इसके बारे में क्लियर है ना? अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन जो आपको दिखा है, यहाँ पर फोर नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड टू बोरोन एटम्स आपके इन प्लेन में होंगे। ये जो दोनों बोरोन एटम्स हैं, ये दोनों आपस में एक प्लेन में होंगे बेटा, ये याद रखना, दोनों बोरोन एटम्स आपके एक प्लेन में होते हैं। ओके, सो टू बोरोन एटम्स लाई इन अ प्लेन। बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर, तो टू ब्रिज हाइड्रोजन आपको दिख रहा है एंड फोर नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन है आपके। ओके, एंड टू नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन है। अगर बात करें हम लोग बी एच बी बॉन्ड, जिसको हम लोग टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे, तो कितना है यहाँ पर? बी एच बी बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टू सेंटर्ड, सॉरी थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड बी एच बॉन्ड, इसको बोलेंगे टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। अगर इसके नंबर की बात करेंगे तो ये आपका टू है, इसके नंबर की बात करेंगे तो ये आपका फोर है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ, राइट? ओके, इसको हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। एक्चुअली मैं जो इसका फिगर होता है, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ, अगर पॉसिबल हो सकता है मुझे से। ओके, चलिए 3D फॉर्म में हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका इधर पर आपका बोरोन है, दिस इज आल्सो बोरोन एटम्स। ओके, एंड कॉर्नर पर आपके हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। क्लियर है ना? ये चीज तो आई थिंक दिख रही होगी आपको। एंड जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग? ओके, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं।
दिख रहा है बेटा? क्लियर है ना? ये चीज समझ में आया? तो B2H6 आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होता है आपका 119 पिकोमीटर के आसपास होता है, बट डू नॉट रिमेम्बर, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आपका ये बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज 134 पिकोमीटर। हाँ, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये बॉन्ड एंगल आपका जो BHB, ये वाला बॉन्ड एंगल होता है आपका, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री। ओके, एंड इस बॉन्ड एंगल की बात करें दैट इज 97 डिग्री। ओके, तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो आप स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने आपका ड्रॉ कर दिया 3D में, अगर आपको कुछ समझ में आए। तो ये जो बोरोन है आपके एक ही प्लेन में देख रहे हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन भी आपके एक प्लेन में देख रहे हैं, जो ऊपर और नीचे के हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है वो आपके ऊपर और नीचे देख रहे हैं। क्लियर है? तो बेसिकली मैं बात करूं बॉन्डिंग इन डाई बोरोन, ईच बोरोन एटम्स यूज 3 sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग। ईच बोरोन एटम्स आपके sp3 हाइब्रिडाइज है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आउट ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड जो आपके एटम्स हैं, लाइक सॉरी ये फोर नहीं, हाँ ये आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ईच sp3, इनमें अगर मैं बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन 2, हाँ ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड। ओके, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। और इसका एक नाम और है, टाउ बॉन्ड भी बोलते हैं, हालांकि कभी आया नहीं एग्जाम में, बट याद कर लो। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग बात करते हैं जनरली पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो नंबर वन पार्ट, फिजिकल और केमिकल दोनों कंबाइन करते हैं यहाँ पर। B2H6 आपका एक कलरलेस गैस है, B2H6 कलरलेस गैस। ओके, एंड दैट गैस इज हाईली रिएक्टिव बेटा। हाईली रिएक्टिव होती है, एंड इसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस अराउंड 183 केल्विन। कोई भी डेटा रिमेम्बर करने की याद नहीं है, क्योंकि तो जरूरत नहीं है, बिकॉज डेटा कभी आएगा नहीं इसका। ओके, पॉइंट नंबर टू, इट कैचेस फायर। स्पॉन्टेनियसली इन एयर। ओके, एंड एक्सप्लोड विथ O2, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली फायर कैच कर जाती है। बेसिकली एक एक्सप्लोजन होता है स्मॉल स्केल का, एंड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी रिएक्शन होती है दैट इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रिएक्शन करके देखें, हम लोग यहाँ पर B2H6 होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कंपाउंड बनेगा आपका B2O3 प्लस 3H2O। बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पर 3O2 आएगा। ओके, एंड इन दिस रिएक्शन द डेल्टा एच जो होगा अराउंड आपका 2160 होता है, ओके, किलो जूल पर मोल, बट इसको आप याद करो अराउंड 2000 होता है। ओके, इसको इस तरीके से याद करो, माइनस 2000
2000 किलोजूल पर मोल, बिकॉज किसी किसी बुक में अगर मैं बात करूं तो किसी किसी बुक में कहीं कहीं पर ये डेटा लिखा रहता है 1976 के आसपास भी लिखा रहता है, 1976, ओके, कहीं पर आपका ये डेटा लिखा हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का, इन दोनों का अगर अप्रोक्सीमेट आप एवरेज निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट एवरेज आपका 2000 के आसपास आएगा। तो अगर आपको याद करना है तो डेटा आपको ये याद रखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने का। ओके क्लियर है, किलोजूल पर मोल होगा। ओके तो डेल्टा एच, दैट मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, तो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एनी डाउट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नो। अगर हम बात करें जो मिक्सचर ऑफ डाइबोरोन होगा, अगर एयर के साथ कोई और इनफ्लेमेबल गैस होगी उसके साथ मिक्सचर होगा, तो यहाँ पर हीट और भी निकल सकती है। ओके बट ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हीट और भी निकल सकती है। नाउ अगर हम बात करें रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, थर्ड रिएक्शन, टेल मी वाटर के साथ क्या रिएक्शन आने वाला है, कोई बताएगा? अगर B2H6 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा कंपाउंड? B2H6 when reacted with H2O, H3O3. yes, so BOH3 plus H2 gas, okay, ये आपका लिक्विड है, तो ये आपका BOH3 बनेगा एंड B2H3। ओके नाउ फोर्थ पार्ट, B2H6 अगर लुईस एसिड है आपका, लुईस एसिड है ना B2H6, B2H6 आपका लुईस एसिड है ना, अच्छा चलिए एक रिएक्शन और लिख लो सर, व्हाट विल हैपन अगर B2H6 आपका लुईस एसिड है, तो रिएक्शन B2H6 से आपका ROH एल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन होती है, एंड B2H6 आपका लुईस एसिड है तो किसी भी बेस के साथ क्या रिएक्शन होती है, टेल मी दोनों कंपाउंड बताओ, एल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन होती है, क्या बनेगा कंपाउंड यहाँ पर, बी ओ आर होल थ्राइस बनेगा प्लस H2, ये रिएक्शन लिखा चुका हूँ ऑलरेडी इस टाइप का रिएक्शन। ओके एंड यहाँ पर आपका कंपाउंड बनेगा KBO2 प्लस H2, इस जब रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो आपको वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर वाटर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर KBO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, राइट क्लियर है? ओके नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, किस हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट लेते हैं, B2H6 अंडरगोज क्लीविज रिएक्शन विथ लुईस बेस, ओके, टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, देखो रिएक्शन। ओके ये इसी का ही सब पार्ट है एक्चुअली में। ओके हमने फोर्थ पॉइंट बना के लिखा, B2H6 NH3 आपका लुईस बेस है, तो यहाँ पर NH3 की जगह हम लोग लेट से ME3 कर लेते हैं। ओके इसके साथ रिएक्शन होगा तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, BH3 डॉट NME3, ओके
ये आपका एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, राइट। नाउ B2H6 है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपका कंपाउंड बनेगा BH3.CO। क्लियर है? यहाँ पर 2 लगा देंगे इसमें, तभी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ओके, तो अच्छा, अमोनिया के साथ मैंने बताया नहीं, अभी अमोनिया भी लिख लो यहाँ पर। अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट भी है आपका। ओके, पहले भी बता दिया मैंने, B2H6, B2H6 जब आपका लुईस बेस के साथ रिएक्शन करती है तो कंपाउंड बनने वाला आपका एडिशनल प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे BH2NH3 होल ट्वाइस ओके प्लस एंड BH4 नेगेटिव। यहाँ पर अगर बैलेंस करने वाले हैं तो ये 3 हो जाएगा एंड ये भी आपका 3 हो जाएगा, तो आई थिंक बैलेंस हो गया। ये आपका 6 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। नाउ अगर मैं इस कंपाउंड को, इस पूरे कंपाउंड को मैं हीट कर दूं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड B3N3H6 प्लस आपका 12H2 निकल जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। ओके, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या नाम है बेटा इसको? इनऑर्गेनिक यस, बोराजोल हो जाएगा एंड दैट इज, एंजाइम। हाँ, बोराजीन। ओके, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन इन ऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन हुआ। इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में थोड़ा सा आपको याद कर लेना बेटा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं बोराजोल। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला है, तो इस इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट बेंजीन बनाना है। ओके, बेंजीन बनाने के लिए आपके पास इस तरीके से कंपाउंड होना चाहिए, सॉरी स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर चलो इस तरीके से नहीं बनाते हैं। एन एन बी बी एन बी। नाउ सबको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया, तो आपका कुछ टाइप ऑफ किसके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा? बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर दिख गया, बेंजीन रिंग जैसा। एंड यहाँ पर आपका सारे को हम लोग सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से ऐड कर दिया। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर होती हैं ये इसको दे देता है, बोरॉन को, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, ये वाला लोन पेयर ये इसको दे दिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, ये भी इसने इसको दे दिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, तो स्ट्रक्चर क्लियर, सबको समझ में आया? बोराजीन कंपाउंड, बोराजीन इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ऑलवेज रिमेम्बर। ओके, यहाँ पर पॉइंट लिख लो, बोराजीन इज मच मोर रिएक्टिव देन
बेंजीन, ओके, एंड बोराजीन आपका एक कंपाउंड फॉर्म करता है। अच्छा चलिए रिएक्शन लिख लीजिए, बोराजीन की एक रिएक्शन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन बेटा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसलिए है बिकॉज व्हेन B3N3H6 कंपाउंड अगर वाटर के साथ हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे या वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे जनरली, तो आपका कंपाउंड NH3 फॉर्म हो जाएगा प्लस H3BO3 प्लस आपका कंपाउंड H2O बनेगा, राइट। अब आप बोलोगे सर इस तरफ भी H2O लिया, इस तरफ भी H2O लिया, तो H2O तो रहेगा ही ना सॉल्यूशन में, ओके। तो बेसिकली अगर बैलेंस करने जाएं हम लोग, तो चलिए अगर आपको H2O नहीं लिखना है राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 6H2O। अगर H2O लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आपका 9H2O, एंड इस जगह बैलेंस करेंगे 3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 3, एंड अमोनिया की जगह आपका 3 आएगा, एंड यहाँ पर आपका 3H2O आएगा। तो आई थिंक बैलेंस करके देखो, 3 3 6 6 6 12, 12 6 18, तो आपके हाइड्रोजन 18 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं क्या? ट्वेंटी फोर हो रहे हैं, ओके। ये देखो 18 प्लस 6 तो 24 हो रहा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 प्लस आपका 6, ओके। तो ये भी रहा। अगर आपको 3H2 नहीं लिखना, तो यहाँ पर आप 6H2 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा भी आपका ओके हो जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका कंपाउंड, पोराजीन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ यहाँ पर बोराजिन के कुछ रिएक्शन है बेटा, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ क्या बनेगा, एक्सेस ऑफ, वो सारे रिएक्शन आपको मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, जरूरत नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो इसका, किसका रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, अच्छा 5th रिएक्शन, 5th पॉइंट, 5th पॉइंट किसका है, ये आपका पॉइंट है B2H6 का। तो B2H6 जब आपका, ये तो रिएक्शन लिख चुका ना मैं, B2H6 जब आपका NaOH या इससे कंपाउंड रिएक्शन करता है, B2H6, ओके, B2H6 नहीं लिखा, चलिए B2H6 जब आपका मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, तब कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, एनी आइडिया? ड्राई ईथर इन प्रेजेंस में एम पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, एंड एम यहाँ पर जो होगा वो लिथियम और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, बाकी कंपाउंड ये रिएक्शन मोस्टली नहीं शो करते हैं, ओके। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम एंड कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ एक चीज और याद कर लेना, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, किसका स्ट्रक्चर, BN का स्ट्रक्चर होता है, बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बोरोन नाइट्राइड की बात कर रहा हूँ मैं, BN का जो स्ट्रक्चर होता है सेम लाइक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी उसी टाइप का होता है, बोरोन नाइट्राइड का, ओके। तो दोनों पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग, मैं एक PDF जो आपको देने वाला हूँ, उस PDF में सारी चीजें लिखी रहेंगी, आप लोग उसको रीड कर लेना, ओके। जरूरत नहीं है बिकॉज वो एग्जाम में नहीं आए कभी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंपाउंड के बारे में आई थिंक आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज तो आप लोग जानते हो कि सिल्वरी मेटल से आपका डेंसिटी, अगर आपको नहीं याद तो आप डेंसिटी याद कर लो एल्यूमिनियम की, तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट सिल्वरी होगा, डेंसिटी किसी को आइडिया है, सिल्वरी मेटल से डेंसिटी आपका हो जाएगा 2.7 ग्राम पर सीसी, ओके। एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया,
एंड इट इज मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. एक्शन ऑफ, अगर एयर के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का, तो Al2O3 फॉर्म हो जाता है. ओके, ऑन द सरफेस Al2O3 आपका, अगर एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ भी शो करता है रिएक्शन, एंड एल्यूमिनियम आपका नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन शो करता है. ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, ये Al2O3 बनाएगा, यहाँ पर ये AlN बनाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ. नाउ एल्यूमिनियम आपका क्लोरीन के साथ रिएक्शन किस तरीके से शो करता है, यहाँ पर पॉइंट देखो. एल्यूमिनियम आपका Cl2 के साथ रिएक्शन शो करेगा, क्या फॉर्म करेगा, AlCl3. ओके, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर 2 कर दो. नेक्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होती है बेटा, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस 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 H2O होगा यहाँ पर, एंड कंपाउंड आपका बनेगा NaAlO2 प्लस H2Gas. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन अगर एल्यूमिनियम आपका एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा, एल्यूमिनियम आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है. ओके, H2SO4 के साथ, यहाँ पर H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है बेटा. ओके, नाउ H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन में लेंगे, H2SO4 ले सकते हैं और HCl भी ले सकते हैं. ओके, कौन सी कंडीशन होना चाहिए, दोनों डाइल्यूट कंडीशन में होना चाहिए, बट HNO3 आपका नहीं लेंगे हम लोग. ओके, HNO3 के केस में हम लोग रिएक्शन अभी बताता हूँ मैं. तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा Al2SO4 whole thrice प्लस H2, एंड हेयर आई थिंक रिएक्शन होगा AlCl3 प्लस H2. ओके, क्लियर है. नाउ कंसंट्रेट HNO3 डज नॉट रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम बिकॉज, क्यों नहीं शो करता बेटा, बिकॉज ये आपका पैसिव एक्शन शो करता है विथ कंसंट्रेट HNO3 बाई फॉर्मिंग द अप्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस. अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम की, तो HNO3 और एल्यूमिनियम रिएक्शन करके एक Al2O3 कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं. तो वो एल्यूमिनियम के वेसल में वो प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर से आ जाएगी और फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होगी. मीनिंग है कुछ पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा जिससे वो Al2O3 कंपाउंड बनेगा, एंड Al2O3 कंपाउंड आपका प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा जिससे फर्दर रिएक्शन नहीं होती है. तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि HNO3 आपका एल्यूमिनियम से रिएक्शन नहीं करता है. पॉइंट क्लियर, क्लियर है ना. ओके, नाउ एल्यूमिनियम के हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देख ली, यहाँ पर आप यूजेस देख लो एल्यूमिनियम के, यूजेस क्या जाएंगे, कौन कौन सी यूजेस होते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन हाउस होल्ड, कुकिंग और हाउस होल्ड यूटेंसिल वगैरह होते हैं जो आपका एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए. एल्यूमिनियम का अगर हम देखें टैंक वगैरह बनते हैं, ओके, पाइप बनते हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के बार बनते हैं, स्टील ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम केबल्स, एल्यूमिनियम केबल्स, तो कुछ भी यूजेस आप लिख सकते हो डिपेंडिंग योर ओन. ओके, आप कुछ भी यूजेस यहाँ पर लिख सकते हो, आप NCERT रेफर कर सकते हो, NCERT. ओके, जरूरत नहीं एल्यूमिनियम को कोई भी हो, कोई सा भी कंपाउंड लिख सकते हो. यहाँ पर कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम की बात करेंगे हम लोग. कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, अभी या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ सर, अभी क्लियर आ रही है. ओके, मे बी नेटवर्क इशू हो जाने की वजह से थोड़ा सा कट कर रहा होगा. ओके, बिकॉज बारिश चल रही है अभी मेरे यहाँ पर. ओके, सो कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले आपका कंपाउंड हम लोग देखेंगे, ज्यादा कंपाउंड अभी आपके पास टाइम कितना, हाँ टाइम है काफी. ओके, सो कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर Al2O3 के बारे में.
शॉर्टकट में समझो, Al2O3 आपका एल्यूमिना होता है, ओके। Al2O3 अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्यूमिना, ओके, एंड इट अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइड एंड कोरंडम। किसके फॉर्म में होता बेटा? बॉक्साइड एंड CORUND, कोरंडम के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये आपके क्या है बेटा? ओर है, ओके। ये आपके ओर हैं, इन ओर का स्ट्रक्चर, इन ओर का फॉर्मूला Al2O3 होता है, एंड समथिंग यहाँ पर XH2O मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ जाओ Al2O3 तो फॉर्मूला का नेम हो गया, XH2O आपके कुछ H2O मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर ऐड हो गए तो आपका बॉक्साइड बन जाएगा या कोरंडम बन जाएगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है, इन द फॉर्म ऑफ कोरंडम और बॉक्साइड के फॉर्म में आपको मिलता है, ओके। इट ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ जेम्स, जो आपके जेम्स होते हैं लाइक रूबी रेड और जो सेफराइड वगैरह होते हैं वहां पर भी आपको मिलता है, ओके। कुछ इम्पोर्टेंस, अच्छा ओके, यहाँ पर ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ जेम्स, ओके। चलिए जेम्स की एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। नंबर वन, ओरिएंटल टोपाज, नंबर सेकंड सेफायर, नंबर थर्ड रूबी, नंबर फोर्थ ओरिएंटल इमराल्ड, EME इमराल्ड। इनका कलर लिख लो बेटा, कलर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कलर होता है आई थिंक येलो कलर का होता है, और इसमें आपका Fe3 प्रेजेंट रहता है। इसका कलर आपका होगा ब्लू, एंड यहां पर आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, एक तो आपका Fe2 मिल सकता है और Fe+3 मिल सकता है, और आपका टाइटेनियम प्लस 4 मिलेगा। जहां पर आपका रूबी रेड में जो कंपाउंड है दैट इज, पहले तो इसका कलर लिखो, कलर आपका रेड होगा, एंड इसमें आपके क्रोमियम +3 मिल सकता है, एंड इस कंपाउंड में आपका ओरिएंटल ये आपका ग्रीन कलर का होगा, एंड यहाँ पर क्रोमियम +3 और वेनेडियम +3 मिलेगा, ओके। प्रिपरेशन पार्ट, प्रिपरेशन तो आप लोग नॉर्मली जानते हो, प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन में नॉर्मली प्योर Al2O3 ऑब्टेन बाई इग्नाइट ऑफ Al2SO4 और AlOH3 और अमोनियम एलम, कोई भी चीज हो सकती है, इनसे हम लोग प्योर Al2O3 बना सकते हैं। नंबर वन लिखेंगे Al2SO4, इसको अगर मैं हीट कर दूंगा तो आपका Al2O3 बन जाएगा प्लस SO3 गैस बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास AlOH3 है तो इसको भी मैं हीट करके बना सकता हूँ, Al2O3 बना सकता हूँ प्लस आपका, अगर हीट करेंगे तो वाटर आपका बाहर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम निकल जाएगा। क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज आपके इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज वाइट एमोरफस पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर. जो आपका वाटर होगा उसमें इनसॉल्युबल होता है आपका Al2O3, बट सॉल्युबल इन एसिड. ओके, आप लिख लो यहाँ पर, ये चीज इम्पोर्टेंट है बेटा. वाइट एमोरफस amorphous powder insoluble. In water and soluble in acid. Okay. एसिड में लिख लो आप, एसिड में सॉल्युबल होगा तो क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, यहाँ पर लिख लो, फॉर्मिंग AlCl3 आपका फॉर्म करेगा, एज वेल एज एल्कली में भी आपका ये सॉल्युबल है. एंड एल्कली में आपको क्या फॉर्म करेगा, NaAlO2, इस टाइप का कंपाउंड आपका सॉल्व फॉर्म होगा. ओके, एंड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. पॉइंट नंबर टू, एम्फोटेरिक इन नेचर. ओके, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ओके, एंड दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, अल्फा एंड गामा. ये आपका टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और गामा में एग्जिस्ट करता है. तो बेसिकली यहां पर लिख लो, अल्फा फॉर्म गामा Al2O3 गामा Al2O3 है. इसको अगर मैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दूं तो आपका अल्फा Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, क्लियर है. एग्जिस्ट इन टू फॉर्म लाइक अल्फा Al2O3 और गामा Al2O3. क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा. नाउ इसके यूजेस आप लोग देख लेना. नेक्स्ट कंपाउंड है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर स्टेट क्यों नहीं आ रहा भाई. ओके, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जो आपका कलरलेस होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर. इसका कोवेलेंट नेचर होता है बेटा और आयनिक नेचर भी होता है. कोवेलेंट कब होता है, आयनिक कब होता है, ये आपको आइडिया है, आइडिया है ना. टेल मी, कोवेलेंट और आयनिक नेचर कब होगा, आइडिया है कि नहीं है आपको? बोलो बोलो बोलो. कोवेलेंट कब होगा और आयनिक कब होगा, आइडिया है कि नहीं है? नहीं सर. सर कोवेलेंट एनहाइड्रस ना. हाँ, एनहाइड्रस फॉर्म में आपका कोवेलेंट होगा
और आयनिक फॉर्म में आप एक्वस फॉर्म में आपका आयनिक होगा. ओके इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. सोल्युबल इन वाटर. क्लियर है. जो आपका AlCl3 होगा कोवेलेंट होगा आपका एनहाइड्रस फॉर्म में और आयनिक होगा आपका एक्वस फॉर्म में. ओके प्रिपरेशन देखो. हाँ डेलिकेसेंट इन नेचर भी होता है बिकॉज आपका 6H2O दिख रहा है यहाँ पर. ओके प्रिपरेशन आपका पार्ट है. प्रिपरेशन में नंबर वन लिखो यहाँ पर. By dissolving aluminium Al2O3 or AlOH whole thrice in dilute HCl. तो यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगा आपका. चाहे एल्यूमिनियम के साथ HCl की रिएक्शन करो, चाहे एल्यूमिनियम लिखो या Al2O3 लिखो या AlOH होल थ्राइज लिखो, इन तीनों की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? HCl के साथ करा रहे हो. कंपाउंड क्या बनने वाला है? AlCl3 कंपाउंड बनने वाला है. ओके एल्यूमिनियम के केस में आपका H2 गैस बनेगा, एल्यूमिना के केस में आपका H2O बनेगा और इसके केस में भी आपका H2O बनेगा. याद करो मैंने बताया था अगर एल्यूमिनियम होता है तो आपका H2 गैस निकलेगा, अगर यहाँ पर मैंने O ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी आपका O ऐड हो जाता है. याद है कुछ या नहीं है? जब मैंने हाइड्रोजन बता रहा था कि H2 गैस किस तरीके से बनता है तब वहां पर मैंने ये रिएक्शन लिखाई थी. क्लियर है ना? तो द सॉल्यूशन ऑफ टेन इट इज फिल्टर्ड आउट एंड क्रिस्टलाइज व्हेन क्रिस्टल ऑफ AlCl3 जो आपका AlCl3 है या Al2Cl6 है ये आपको मिल जाएगा. आपको फिल्टर्ड आउट करने के बाद आपका मिल जाएगा. क्लियर है ना? समझ में आया? यहां से आप क्या करोगे? नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन देखूं, सॉरी अभी तो प्रिपरेशन चल रहा. प्रिपरेशन पार्ट में आपका एक और आपका मेथड होता है. अगर एनहाइड्रस AlCl3 है दैट इज ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ Cl2 इन एल्यूमिनियम. नॉर्मली आपका एल्यूमिनियम और ओके बैलेंस पॉइंट नंबर थर्ड बाय हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड कोक एंड पास क्लोरीन. क्लोरीन गैस आप पास करते हैं तो आपका मिल जाएगा. नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें हम लोग Al2O3 है दैट इज एल्यूमिना, इसकी रिएक्शन हम लोग कार्बन के साथ करते हैं एंड फिर आपका क्लोरीन गैस पास करते हैं तो आपका Al2CL6 मिल जाएगा और वी कैन से दैट हाँ AlCl3 मिल जाएगा. ओके दैट इज एनहाइड्रस और AlCl3 टू टाइम्स कर देंगे यहाँ पर प्लस आपका कंपाउंड साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा. वैलेंस वैलेंस यहाँ पर थ्री करेंगे, यहाँ पर
थ्री करेंगे यहाँ पे, थ्री करेंगे, बैलेंस हो गया। ओके नेक्स्ट रिएक्शन है, थ्री हो गया। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है, अगर हम लोग फोर्थ रिएक्शन पार्ट AlCl3 AlCl, हाँ हो गया, इतना काफी है। ओके चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी, ओके नंबर वन प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, हीट, एक्शन ऑफ हीट। अगर हम लोग नॉर्मली आपके पास Al2Cl6 डॉट या AlCl3 रखेंगे, यहाँ पर हम लोग AlCl3 डॉट 6H2O है, इसको मैं हीट करता हूँ तो क्या बनेगा बेटा, Al2O3 प्लस HCl गैस निकलती है। ये चीज याद रखना बेटा, HCl एसिड नहीं होता, HCl गैस, HCl की फ्यूम्स निकलती हैं, प्लस H2 आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है लाइक, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, टू ये हो जाएगा, Al2O3 बन गया, ओके यहाँ पर सिक्स ये आ गया, ओके एंड यहाँ पर 3H2 आ गया। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बेसिकली क्या करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा AlCl3 वाला, व्हेन हीटेड स्ट्रॉन्गली इट कन्वर्टेड टू एल्यूमिना, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, व्हेन AlCl3 आपका मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, या जो आपका एनहाइड्रस AlCl3 होता है दैट एक्सपोज टू एयर, एनहाइड्रस AlCl3 प्रोड्यूस वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl। एनहाइड्रस AlCl3 किसकी बात कर रहे हैं बेटा, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन एक्सपोज टू एयर, मॉइस्ट एयर, ओके ये आपका क्या है बेटा, मॉइस्ट एयर है, मींस एयर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग नॉर्मली, ओके इट कन्वर्टेड टू एयर OH3 प्लस सम फ्यूम्स ऑफ HCl, ओके क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन इफ दैट कन्वर्टेड टू एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही, कट हो रही ना वो, हाँ अभी अभी सही आ रही, कट हो रहा क्या, अभी भी कट हो रहा है। ओके वो क्या है ना, नेटवर्क इशू है, बट कैसे सही करें इसको, एक बार रुको मैं रिस्टार्ट करता हूँ, राउटर को रिस्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, अभी वॉइस आ रहा, हेलो अभी क्लियर है, शिव प्रसाद विश्वराज अभी क्लियर है वॉइस, यस सर, ओके। सो एनहाइड्रस AlCl3 अगर कभी भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 आपका लुइस एसिड है, ये आपका लुइस बेस है, तो एक आपका एडिशनल कंपाउंड बनता है।
तो बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब NH3 सिंस बिकॉज ये आपका एक लुईस एसिड है. ओके बिकॉज AlCl3 आपका लुईस एसिड है. ओके तो रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या होगा, AlCl3 प्लस NH3 देन AlCl3 डॉट 6NH3 ये आपका एडिशनल कंपाउंड बनता है. ओके एंड ये जो एडिशनल कंपाउंड होता है दैट इज व्हाइट सॉलिड. राइट नाउ AlCl3 का अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन देखूं, फोर्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ क्या रिएक्शन होता है बेटा, AlCl3 एल्यूमिनियम when रिएक्टेड विद NaOH सॉल्यूशन अ जिलेटिनियस प्रिसिपिटेट, एक जेल टाइप का कंपाउंड बनता है जो आपका AlOH का होल ट्वाइस AlOH का होल थ्राइज होता है. पहले ये बनता है, फिर अगर एक्सेस ऑफ NaOH हम लोग डालते हैं दैट मींस एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट. बेसिकली आप समझो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका NaOH है इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग AlCl3 की, तो आपका कंपाउंड बनेगा AlOH होल ट्वाइस, ये हो आपका जिलेटिनियस प्रिसिपिटेट. ओके पीपीटी कंपाउंड बनता है व्हेन एक्सेस ऑफ NaOH, यहां पर हम लोग NaOH एक्सेस में कर देते हैं, एक्सेस ऑफ NaOH. ओके दैट मींस ये कंपाउंड आपका फिर से फर्दर रिएक्शन करके आपको कंपाउंड बनाता है NaAlO2 प्लस 2H2O, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. ओके सो रिमेम्बर अगर कभी आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि ये एक्सेस ऑफ सोडियम आप NaOH रिएक्शन करता AlCl3 से, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉप होना है. अगर कभी एक्सेस वर्ड यूज ना किया हो तो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. समझ गए, अगर आपका एक्सेस वर्ड लिखा हुआ है दैट मीन्स आपको डायरेक्टली लास्ट तक रिएक्शन लेके जाना है, अगर एक्सेस नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है. क्लियर है, ये आपका जेलेटिनियस पीपीटी होता है, एक जेल टाइप का पीपीटी फॉर्म होता है AlOH का होल ट्राइज में, प्लस यहाँ पर NaCl बनेगा ऑफकोर्स तो उसको जरूरत नहीं लिखने का, एंड एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म करेगा. क्लियर है, नाउ व्हाट विल हैपन जब आपका AlCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन नंबर 5 है रिएक्शन विद NH4OH, NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये भी रिएक्शन आप डायरेक्टली लिख लो AlCl3 कंपाउंड आपका NH4OH के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कंपाउंड बनेगा AlOH होल थ्राइज, ये प्रेसिपिटेट हो गया. ओके फिर से वही व्हाइट जिलेटिनस सॉलिड बनेगा. ओके प्लस साथ में आपका NH4Cl. क्लियर है, ओके नाउ रिएक्शन नंबर 5 अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस AlCl3
Cl3 का. ओके सो व्हेन AlCl3 इज डिसॉल्व इन वाटर इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस ओके एंड दैट प्रोड्यूस Al टू AlOH का होल ट्वाइस ये प्रोड्यूस करेगा ओके व्हिच इज वीक बेस AlOH का होल ट्वाइस होल थ्राइस जो आपका AlOH होल थ्राइस ये आपका वीक बेस होता है बेटा याद रखना ओके वीक बेस एंड HCl इज अ स्ट्रांग एसिड हेंस सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा ओके जो आपका कंप्लीटली सोल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं आपका AlCl3 हो जाएगा आपका H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा AlOH होल थ्राइस प्लस HCl बनेगा ओके नाउ यहाँ पर जो ये कंपाउंड है बेटा ये आपका वीक बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम्प्लीटली जो सोल्यूशन होगा वो आपका एसिडिक हो जाएगा हेंस इस ये जो सोल्यूशन है ना ये सोल्यूशन एच पॉजिटिव देना चाहिए ना तो एक्चुअली मैं हम लोग जो रिएक्शन अभी लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना बेटा जो रिएक्शन है AlH2O6 ये प्रोडक्ट आपका बनेगा अगर कभी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करें ओके नाउ अगर इसका हम लोग नॉर्मली हमने क्या बोला हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना हम लोग सॉरी ये आपका जो प्रोडक्ट है अगर इस प्रोडक्ट ये आपका एच पॉजिटिव देता है इसका मतलब ये आपका एसिड है तो ये आपका सॉल्यूशन होगा ना यहाँ पर ओके वाटर के साथ कम्प्लीटली ये बन रहा है प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर एच पॉजिटिव देगा तो AlH2O5OH+2 बनेगा एंड प्लस एच पॉजिटिव निकलेगा क्लियर है आप समझो बैठ पहले ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ओके ये चीज अभी हटाओ आप थोड़ा सा ध्यान दे लो इसको नहीं तो आप लोग भूल जाओगे When AlCl3 dissolve in water, okay, it undergoes hydrolysis. Okay. Rapidly to produce AlOH whole thrice. Okay, which is weak base. Okay, and HCl is strong acid. Okay. Hence, solution is acidic. Okay, तो यहां तक समझ में आया सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा तो जो आपका ये जो है H प्लस दिया इसने और ये जो कंपाउंड है ये जो कंपाउंड बना ना ये कंपाउंड आपका द कॉम्प्लेक्स कैटाइन The complex cation has a high tendency to dimerize. तो ये आपका dimerize हो जाएगा कैसे होगा देखो यहाँ पे टू कंपाउंड ले लिया मैंने AlH2O whole 5OH+2 ये आपका डाइमराइज किस तरीके से हो रहा देखो यहाँ पर H2O whole 4 एल्यूमिनियम OH
OH, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम H2O होल 4, प्लस 4 अभी, ओके, एंड प्लस का 2H2, क्लियर है? ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया, ओके. द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज इन दिस सीन, दैट इज कौन सा नंबर है इसका, 5, 6, सिक्स नंबर प्रॉपर्टीज है, दैट इज लिथियम हाइड्राइड. अगर कभी AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस LiCl. ये कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे एक्सटेंसिवली यूज होगा इसका रिडक्शन प्रोसेस में, ओके. नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीटली ओवर हो गया. नाउ लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड, चैप्टर मींस ग्रुप 13 का, ओके. 14 अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग. द नेक्स्ट है आपका एलम्स M2SO4 डॉट, यहाँ पर M2 की जगह M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O और MM SO4 whole twice dot 12H2O, ये आपके एलम्स हैं, क्लियर है? ये पार्ट है एलम्स का, ओके. नाउ इसको देखो, पॉइंट नंबर ABCD में बना के लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखो. पॉइंट नंबर ए क्या है, एलम्स आर डबल सॉल्ट, एलम्स आर डबल सॉल्ट्स, ओके, विद द फॉर्मूला, विद देयर फॉर्मूला, लाइक फॉर्मूला क्या जाएगा, R2. अच्छा फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, ओके, R2SO4 आर, क्या एम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, चलो आर लिख लेते हैं अलग अलग, M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ओके. वेयर आर यहाँ पर क्या होगा बेटा, मोनोवेलेंट या ट्राइवेलेंट या डाइवेलेंट, आर क्या होगा, यस आर इज मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट रेडिकल होना चाहिए, ओके, लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ओके, ये होना चाहिए. और M क्या है आपका, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट रेडिकल, लाइक Al+3, क्रोमियम प्लस 3, Fe+3, ओके, इस तरीके से होना चाहिए, ओके. एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, पॉइंट नंबर ए क्लियर है, पॉइंट नंबर बी देखो, यहाँ पर पॉइंट नंबर बी है आपका पोटास एलम,
पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है बेटा? के टू एसओ फोर डॉट एल टू एसओ फोर होल थ्राइस डॉट 24H2O, दैट इज कॉल्ड पोटास एलम. ओके नाउ नेक्स्ट है आपका क्रोम एलम. CHROM क्रोम एलम. क्रोम एलम का फॉर्मूला होगा यहाँ पर K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2. नेक्स्ट है आपका आयरन एलम. आयरन एलम, आयरन एलम का फॉर्मूला क्या है? NH4 होल ट्वाइस SO4, फिर आपका आएगा यहाँ पर Fe2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, राइट. नेक्स्ट है आपका अमोनियम एलम. अमोनियम एलम का फॉर्मूला आपका NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2 SO4 डॉट 24H2. क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल हो गए. नाउ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसके बारे में, आप पॉइंट नंबर सी में लिखो. पॉइंट नंबर सी क्या है? पॉइंट नंबर सी है इन ईच एलम या इन एलम ईच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. पॉइंट नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन एलम्स ईच मेटल सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोग समझ जाओगे जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा. ओके जस्ट लाइक ये जो आपका कंपाउंड था ना, ये यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है. ओके वहां पर आपका 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा. जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तब वहां पर फिर से आपको एलम देखना पड़ेगा, फिर से वहां पर एक्सप्लेन करूंगा. ओके सो डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी, लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम बिकॉज लिथियम बता चुका हूं मैं, डज नॉट फॉर्म एलम बिकॉज ऑफ लिथियम आयन इज टू स्मॉल. ओके टू स्मॉल टू हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6. ये कंपाउंड भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आया. दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, हमेशा याद रखना बेटा. ये कोऑर्डिनेशन, हाँ इसका लिटरली मीनिंग वही होगा कि जितने कॉन्टेक्ट में होंगे उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, बट इसका सिग्निफिकेंस अलग हुआ. ओके That coordination number is different from the solid state के जो coordination number पड़ा था उससे different होगा. तो ये coordination number यहाँ पर 6 lithium coordination number 6 form नहीं करता, इसलिए lithium आपका alums form नहीं करेगा. Lithium does not form alums because lithium ions is too small to have
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिक्स, बाकी सारी मेटल्स आपके कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स फॉर्म कर जाती हैं, दैट इज वाई यहाँ पर एलम फॉर्म कर जाएंगे, लिथियम ऐसा नहीं करता. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर ई. पॉइंट नंबर ई कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्यूडो एलम्स. डिड यू नो द स्यूडो एलम्स? स्यूडो एलम्स दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट या डबल सल्फेट. डबल सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट आयन. डाइवेलेंट आयन एंड ट्राइवेलेंट आयन. ट्राइवेलेंट आयन्स विथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल. क्रिस्टल आर नोन एज स्यूडो एलम. ओके, चलिए स्यूडो एलम का फॉर्मूला देखो. स्यूडो एलम का फॉर्मूला बेसिकली ये बोल रहा है यहाँ पर, जो आपका एम मेटल्स है स्टार्टिंग में एम एसओ फोर होता है, ये आपका डाइवेलेंट होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पर एक्स लगा हुआ है एक्स एसओ फोर, ये आपका ट्राइवेलेंट होना चाहिए डॉट 24H2O. ओके, सो यहाँ पर देखो एम आपका होगा डाइवेलेंट और एक्स आपका होगा ट्राइवेलेंट. समझ गए स्यूडो एलम्स क्या है? सिर्फ मोनोवेलेंट का, जो डाइवेलेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा बाइवेलेंट भी बोल देते हैं. ओके, तो याद रखना है इसका. ओके, सो ये क्लियर है. नाउ स्यूडो एलम्स कंफर्म हुआ. नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस आप लोग खुद देख लेना. प्रॉपर्टीज में बेसिकली ये देखो कि आपकी इट इज क्रिस्टल. चलो प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ आपका, यूजेस आप लोग खुद देख लेना. प्रॉपर्टीज में बेसिकली कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग बट पॉइंट नंबर ए, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर. ओके, पॉइंट नंबर बी, ऑन हीटिंग अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड स्वेल अप. ऑन हीटिंग इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन. And swell up. Point number third, highly acidic in aqueous solution. Highly acidic in aqueous solution. क्यों होता है ये? Due to hydrolysis of aluminium sulfate due to hydrolysis of aluminium sulfate. इसका hydrolysis करेंगे to sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, दैट इज वाई इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी है इट इज अ डबल सॉल्ट एंड इट इक्वस सॉल्यूशन गिव रिएक्शन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट आयन. ओके,
इट इज अ डबल सॉल्ट. ओके एंड इट्स इक्वल सॉल्यूशन. Aqueous solution gives reaction of all the constituent all the constituents ion like K positive, aluminium positive और SO4 double negative. Okay, and आपको जो last part है uses आपको लिख लेना है आपके notes. Clear है? So complete हुआ ये topic पूरा. Okay, आपको ये topic पूरा का पूरा complete हुआ. Next class में जो मैंने sheet दी है, listen carefully all of you. जो सीट दी है मैंने वो सीट को आपको सॉल्व करना है. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं वो सीट देखूंगा और उस सीट के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके उस सीट को कौन कौन से सॉल्व कर रहे हैं. ओके चलिए. ओके सो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ. ओके इनकेस अगर कुछ डाउट है किसी को तो आप मैसेज करिएगा. ओके सो बाय बाय एवरीवन. बाय 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 सर.